जैसा कि आप जानते हैं, ये है काजल का घर और आज काजल के घर में सुबह सुबह सभी सो रहे हैं। तो आज की कहानी में काजल के घर पे क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की कहानी में काजल के घर में क्या होता है। तो सुबह सुबह आज काजल के घर में सबसे पहले श्याम की नींद खुल जाती है। अरे अरे अरे, सुबह हो गई, अरे मैं तो भूल ही गया। अरे मुझे तो आज जल्दी उठना है, अरे आज शहर से सिद्धार्थ आने वाला है। अरे काजल अभी तक सोई हुई हो, चलो उठो, घर के काम काज खत्म करो। अरे सिद्धार्थ के मनपसंद चीजें पकाओ। भूल गई क्या, शहर से सिद्धार्थ वापस लौट रहा है, मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लाने, फिर उसके बाद सिद्धार्थ को लाने भी जाना है। काजल उठ भी जाओ। अरे अरे, उठ रही हूँ उठ रही हूँ। अरे हाँ हाँ सोना के पापा, अच्छा हुआ आपने मुझे उठा दिया, मैं तो एकदम बेखबर होके सो रही थी। अभी तो बहुत सारे काम भी करने हैं। सोना तुम भी उठ जाओ, तुम्हारे चाचू आने वाले हैं आज, तुम्हारे पापा जाएंगे अब लाने के लिए। चलो मैं जल्दी से घर के काम खत्म कर लेती हूँ। अरे सोना के पापा जल्दी से, ये कुछ सामान है वो ला दीजिए, मुझे तरह तरह की चीजें पकानी है सिद्धार्थ के पसंद की। सिद्धार्थ खुश हो जाएगा, उसके पसंद की चीजें बनेंगी, तो कितना दिन के बाद लौट रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, लाओ जल्दी से ले आता हूँ, फिर मुझे बस स्टैंड जाना भी है सिद्धार्थ को लाने के लिए, देर ना हो जाऊँ कहीं। मैं अभी जल्दी से लेकर के सामान मैं आता हूँ काजल। इसके बाद श्याम सामान लाने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ सोना नींद से उठती है। अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो चाचू आ रहे हैं। चाचू ने तो मुझसे कहा था कि मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे शहर से, जाती हूँ मम्मी की मदद करती हूँ। अरे वाह मम्मी, आपने चाचू का कमरा तैयार कर दिया, चाचू यहाँ रहेंगे क्या? हाँ सोना, मैंने तुम्हारे चाचू का कमरा तैयार कर दिया है, आज से तुम्हारे चाचू इसी रूम में रहेंगे। अच्छा अच्छा, मैं जाकर के जल्दी जल्दी नाश्ते का काम खत्म कर लेती हूँ, और भी चीजें मुझे बनानी है सिद्धार्थ के पसंद की। यहाँ काजल जल्दी जल्दी तरह तरह के खाने बनाने में लगी होती है। जल्दी जल्दी खाने बना लेती हूँ, फिर मुझे और सामान भी बनाने हैं, सोना के पास सामान लेके आते होंगे। अरे वाह मम्मी, आपने तो सचमुच चाचू का कमरा बहुत अच्छा सजाया है, लेकिन मम्मी आपका बैग इसी रूम में ले गया है, मैं जाकर के लग दूं आपके बैग को आपके रूम में? हाँ सोना, गलती से मुझसे वहाँ पे छूट गया था, कोई बात नहीं, तुम रखा ना उसे, अभी जल्दी नहीं है, किसी वक्त भी रख देना। अच्छा मम्मी, मैं बाद में रख दूंगी। मम्मी पता है ना, चाचू ने कहा था कि वो शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर के आएंगे, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, पापा कब जाके लाएंगे चाचू को? अरे काजल लो, ये मैं सामान लेकर के आ गया हूँ, जो जो तुमने बताया था, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थ को बस स्टैंड लाने के लिए, वो इंतजार करता होगा अगर वो आ गया होगा तो। अच्छा मैं जाता हूँ, जल्दी से लेकर के आता हूँ सिद्धार्थ को, तुम जल्दी से घर के काम खत्म कर लो। यहाँ श्याम सिद्धार्थ को लाने के लिए चला जाता है और काजल जल्दी जल्दी अपने काम को खत्म करने में लगती है। और सोना की खुशी का तो ठिकाना रही है, वो कभी चाचू के कमरे में तो कभी घर के बाहर जाकर के देख रही है कि कब उसके चाचू आएंगे, उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। यहाँ सोना घर के बाहर अपने चाचू का इंतजार कर रही है। अले अले, मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं होला कि कब चाचू आएंगे, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी देखूं कि चाचू मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। वैसे चाचू के साथ खेलने में भी बहुत मजा आएगा, कितने दिन हो गए चाचू से खेले हुए, एक बार चाचू आ जाए उनके बाद खूब मस्ती करूंगी, खूब खेलूंगी। ए सोना, कौन आ रहा है? यहाँ चिंकी मुन्ना को गोदी में उठा करके घर से ले आई है, इसे देख के सोना कहने लगती है। अले अले चिंकी, तेरा दिमाग तो सही है, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अले तू तो खुद ही इतनी छोटी सी, मुन्ना को क्यों उठा के ले आई है, तुझे मुन्ना नहीं संभलेगा। पता नहीं तूने गीता आंटी को बताया कि तू मुन्ना को घर से लेके निकल गई है, जा मुन्ना को रख के आओ चिंकी, मुन्ना तुमसे गिर जाएगा, ये बच्चा है इसे चोट लग सकती है, जाओ फिर तुम्हें बताऊंगी कि कौन आ रहा है मेरे घर। जाओ चिंकी रख के आओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ सब कुछ। अच्छा अच्छा मैं रख के आती हूँ, वैसे भी मैं इसे ऐसे उठा के ले आई थी, मुझे नहीं लाना चाहिए था, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं उठला है, जाती हूँ जल्दी से रख के आती हूँ। हाँ चिंकी मुन्ना को लेकर जाने लगती है और सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे सोना देख करके जल्दी से चिंकी को बचाने के लिए जाती है। सोना चिंकी को तो बचा लेती है, लेकिन गाड़ी सोना को टक्कर मार के चली जाती है। अरे सोना सोना सोना, को गाड़ी ने टक्कर मार दिया। अरे जल्दी से सबको बताती हूँ। अरे मम्मी, अरे ये किसके चीखने की आवाज
आवाज थी, अभी जाके देखती हूँ, ये तो शोना की आवाज लग रही थी। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, शोना को चोट कैसे लग गई? अरे 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 यहाँ जल्दी जल्दी गीता सीमा सभी आ जाते हैं शोना को देखने के लिए। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए ना मम्मी, शोना को कितना चोट लग गया, उसे खून बह रहा है। अरे देखिए ना, अरे शोना तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अभी तो तुम बहुत अच्छी थी शोना। अरे ये चोट कैसे लग गई मेरी शोना को? इतने में श्याम सिद्धार्थ को लेकर के वापस आ जाता है। यहाँ सिद्धार्थ गांव में आकर के बहुत खुश है। चलो सिद्धार्थ, शोना और काजल तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत तैयारियां शियारियां की हुई है उन लोगों ने तुम्हारे आने की खुशी में। अच्छा भैया, मुझे भी यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है, अपना गांव तो कितना अच्छा है, बिल्कुल वैसा का ही वैसा। चलिए भैया चलते हैं। अरे भैया यहाँ भीड़ क्या चीज की लगी हुई है? अरे यहाँ तो काजल भाभी की आवाज लग रही है। अरे यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे आप लोग यहाँ, अरे काजल, काजल, शोना, अरे शोना को क्या हो गया? काजल अभी तो शोना बिल्कुल ठीक थी। अरे अरे तुमने ध्यान नहीं दिया था शोना का क्या? काजल ये अचानक से, काजल शोना को चोट कैसे लगी, इसका इतना खून कैसे बह गया? अरे 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 मेरी शोना को क्या हो गया काजल? शोना के पापा देखिए ना, शोना का कितना खून निकल रहा है। अरे ये तो बड़ी खुश थी सिद्धार्थ के आने की खुशी में, एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है और मार के भाग गया मेरी शोना को। मेरी शोना कितना खून गिर रहा है। कुछ नहीं होगा शोना को, शोना ठीक हो जाएगी। चलो शोना को उठा के चलते हैं, इसका जख्म साफ करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, कोई डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ श्याम और काजल दोनों घबरा जाते हैं। तो कल की कहानी में देखेंगे कि शोना ठीक होती है कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।